नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड हमारे खास एपिसोड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे गैजेट का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, ऐसे गैजेट का मैं रिव्यू करने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गाने सुनना किसको नहीं पसंद है, म्यूज़िक सुनना किसको नहीं पसंद है। अगर वो म्यूज़िक आपको एक बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ अगर सुनाई दे या फिर आप उसको सुने तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एहसास होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बोट कंपनी के नेक बैंड की। दोस्तों ये जो बोट कंपनी का नेक बैंड है तो ये कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, दोस्तों ये सभी चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे पहले बता दूं कि ये कोई प्रमोशनेबल वीडियो नहीं है, इसको मैंने खुद परचेज किया हुआ है, मुझे कहीं से भी इसका प्रमोशन करने के लिए नहीं कहा गया है। तो जो भी चीज़ बताऊंगा वो सही बताऊंगा और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों वीडियो के बाद आप खुद तय कर सकेंगे कि आपकी इसकी क्या अच्छाई है और इसकी क्या ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो इसकी खराबियाँ हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे पसंद आए तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसे कहां से परचेस करना है और ये कितने का प्राइस इसका क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक बोट का नेक बैंड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बोट की ब्रांडिंग यहाँ पर दी हुई है और ये जो बोट की ब्रांडिंग है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ दी है। दोस्तों मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है रॉकरेस 255 प्रो प्लस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रॉकरेस 255 प्लस इसका मॉडल है जो कि बोट कंपनी का है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसके फीचर्स हैं वो एकदम बीच मोड है। यहाँ पर 50 हर्ट्स नॉन स्टॉप प्लेबैक है और आपको दिखा दें कि यहाँ पर ASAP चार्ज दिया हुआ है। दोस्तों जो फास्ट चार्जिंग है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और इसका जो बॉक्स देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। अगर बैक साइड की हम बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो है बोट का एक लोगो दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सिग्नेचर दिया हुआ है जो कि भैया जी का सिग्नेचर यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया हुआ है फ्यूल्ड बाय पैशन। दोस्तों इनका एक पैशन है जो कि भैया जी का ही एक ये कह सकते हैं कि लोगो या ब्रांड मार्क कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों दिया हुआ है, आप देखेंगे कि बोट सिग्नेचर साउंड इसकी क्वालिटी है जो कि बोट सिग्नेचर साउंड है और IP7 वाटर एंड स्वीट शील्ड यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ देखेंगे तो यहाँ पर जो 5.2 वर्जन का ब्लूटूथ है वो भी डुअल पेयरिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी खास बात यही है कि ये डुअल पेयर हो सकता है कि एक साथ दो मोबाइल में भी कनेक्ट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटिक ईयरबड्स जो कि आपका जो ईयरबड होते हैं वो एकदम उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। और दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो है सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट यहां पर दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसके चार्जिंग की बात करें तो यहां पर जो है आपको टाइप सी चार्जर आपको देखने मिल जाएगा और जो कि आप किसी भी टाइप सी केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर 10 मिनट में जो है ये जब चार्ज करते हैं तो आप 10 घंटे इसका प्लेबैक जो है इसका दिखा रहा है। दोस्तों ये मुझे नहीं लगता है क्योंकि हमने इसको पिछले 24 घंटे हमने इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 मिनट में आप जो इसको 10 घंटे लगातार आप प्लेबैक कर सकते हैं क्योंकि ये अभी हमने चेक नहीं किया हुआ है। बाकी चीज़ें हमने चेक की है, जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है और चीज़ जो भी है वो सब इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जो इसकी वेबसाइट है वो यहाँ पर दी हुई है और इंस्टाग्राम दिया हुआ है, फेसबुक भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं कोई भी नए ब्रांड या फिर कोई नए मॉडल के लिए तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो पैकेज में दोस्तों दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको एक नेक बैंड दिया हुआ है, USB-C टाइप केबल दी हुई है और दो जो है ईयरफोन जो है वो मफ दिए हुए हैं स्मॉल और लार्ज टाइप के। और यहाँ पर 1 ईयर वारंटी कार्ड है और जो कैटलॉग है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए छोड़िए सब चीज़ें और यहाँ पर जो है दिया हुआ है चार्जिंग नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। तो दोस्तों जैसा कि आप दिखा रहे हैं यहाँ पर जो दिया उन्होंने 10 मिनट की जो चार्जिंग है 10 घंटे के लिए, तो यहाँ नॉर्म्स यहाँ पर दे दिए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत झोलझाल जरूर होने वाला है यहाँ पर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुल मिलाकर के इसकी जो क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से कुछ बेहतर ही है। और मैं आपको बता दूँ कि ये अब चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या चीज़ देखने वाला है। तो उसमें यहाँ पर चलिए ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक खूबसूरत सा नेक बैंड आपके सामने आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो है नेक बैंड है जो कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया हुआ है। और आप इसका कलर देखेंगे तो कुछ ब्लू कलर का है ये नेक बैंड हमारा। और
तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक नेक बैंड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वायर है वो राउंड केबल वायर नहीं है और ये एकदम जो है चपटा हुआ वायर है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये इसकी जो बैटरीज दे रखी हैं, आप दोनों तरफ इसकी बैटरी दी हुई है और ये अच्छी चीज़ है कि इसकी बैटरी बैकअप अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईयर फिक्सिंग वाला है जो आपके कान में फिक्स होगा वो यहाँ पर रबर का दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो रबर के एक जो बड्स दिए हुए हैं वो रबर के यहाँ पर हैं और ये देख रहे हैं कि ये भी जो है रबर क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और ये चीज़ आप देख बताएं जब कि जब पहली बार आप इसको यूज़ करेंगे तो जब कान में आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा कान ज़रूर दर्द करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे जब लगाएंगे तो इसकी आदत हो सकता है पड़ जाए आपको और उसके बाद में आपका कान में एकदम सेट हो जाए तो बाद में हो सकता है दर्द ना करें। लेकिन जब हमने अभी शुरुआत में लगाया था तो चूँकि हल्का सा ये हल्का हार्ड है तो कान थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर जिसकी साउंड क्वालिटी है तो वो काफ़ी अच्छी है। आप पीछे तरफ देखेंगे कि यहाँ पर बोट का एक लोगो दिया हुआ है, बोट का ब्रांड नेम दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक माइक दिया हुआ है और पीछे की तरफ तो जहाँ पर से आपकी वॉइस जो है काफ़ी अच्छी सामने वाले को सुनाई देगी। और मैं आपको बता दूं कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसमें थोड़ा सा है और जो भी आप नॉइज़ आपकी होती है जो कि वो सामने वाले को जब आप बात करते हैं तो कम से कम सुनाई देती है। और यहाँ पर देखेंगे तीन बटन आपको दिए हुए हैं जो कि बीच के बटन से हम इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम का जो है प्लस है, नीचे जो आप देखेंगे माइनस का दिया हुआ है। इधर से आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पर आपका सी टाइप चार्जिंग दी हुई है, तो आपको मैं खोल के दिखा दूँ। यहाँ पर जो है आपका सी टाइप चार्जिंग केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और ये किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाएगा और किसी भी केबल सी टाइप की जो भी केबल आपके पास हो उसका मोबाइल केबल हो उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो तीन बटन है, यहाँ प्लस माइनस का बटन है जिसमें वॉल्यूम आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बीच का जो है आप इससे आप उसको ऑन कर सकते हैं और आप इसके कॉल भी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको बीच वाला बटन को जब प्रेस करेंगे तो पीछे तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो है लाइट जल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर लाइट जल चुकी है तो इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। और इसको जब थोड़ी देर फिर से आप थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों रेड लाइट जल चुकी है इसका मतलब ये ऑफ हो चुका है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसके मैग्नेट हैं तो वो दोस्तों आपको बता दूं कि कितने अच्छे हैं और तुरंत ये कवर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा आप जब इसको गले में जब टांगते हैं गले में जब लटकाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये मैग्नेट देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे हैं और जो कि अच्छे से चिपक जाते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जब आप इसको कानों में लगाते हैं तो हल्का सा इसका जो रबर है वो हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन आपके कानों में एकदम फिट बैठेगा ये ज़रूर मैं कहूँगा। तो इस तरीके से इसकी ये क्वालिटी है। और कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें ब्लू कलर है, काफ़ी शानदार कलर है और काफ़ी अच्छा कलर देखने में मतलब लगता है, तो ये है। और दोस्तों अगर ऐसे बैंड की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो बैंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप इसको फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये है कि फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ पे जो एकदम यू शेप पर तो हो जाएगा बैंड हो जाएगा, लेकिन अगर एकदम से बैंड करना चाहें तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए। तो आप इतना है कि आप इसको आराम से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो भी चीज़ें इसको अगर केयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि कल हमने चार्ज किया हुआ था और अभी तक हमारा चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका बैटरी बैकअप भी ठीक ही है। क्योंकि जो भी दूसरे जो कम अच्छे होते हैं दोस्तों तो वो 3 से 4 घंटे में वो उसका बैकअप जो है समाप्त हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो बैकअप इसका है वो कल चार्ज किया हुआ था तो अभी तक वो हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हमने काफ़ी गाने भी सुने और इसमें वीडियो जो है हमने देखी जो मेरे फ़ोन पर उसके भी साउंड क्वालिटी अच्छी है और जो हमारा MP3 म्यूज़िक है वो भी हम इसको इसमें सुने तो भी हमारा अच्छा क्वालिटी दे रहा है।
तो इसे आप अगर लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमने इसको ऑफर में लिया हुआ था और वेबसाइट से अमेजोन से हमने इसको परचेज़ किया हुआ था, और आप यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों कि जो उसका MRP है वो कितनी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है 3,990 रुपये इसकी MRP दी हुई है। आप देख रहे होंगे कि इसके 3,990 रुपये MRP दी है, लेकिन हमने जो है ये दिवाली सेल में परचेज़ किया हुआ था, तो इसलिए हमने 1599 का हमने परचेज़ किया हुआ था। तो ये आप इस तरीके से खुदा ने, अगर आपको चाहिए होगा तो उस पर बिल्कुल आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अपने लोकल मार्केट में जा करके परचेज़ कर सकते हैं, और ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। और आज वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, जानकारी कैसी लगी हो, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। आज वीडियो सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों आज के वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ये बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया जाना, और जो हमारे द्वारा दी हुई जानकारी है वो आपको कितनी समझ में आई, और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसको आप खुद तय करिएगा कि आपको ये प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल से ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी जानकारी मैंने दी है एकदम सही जानकारी दी है, जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे लगा, वो सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और चैनल पर भैया नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइन को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी इस तरीके की मिलती रहे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर करिए ताकि वो भी इस तरीके की जानकारी हासिल कर सके। और आपको इस तरीके की वीडियो अगर देखनी है तो दोस्तों आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपने अपडेट करते रहते हैं, तो हमारे एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, इसलिए जरूर जरूर आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।